नमस्ते एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हमने लास्ट क्लास में फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, एक एम रिजल्ट बना था, दैट वाज अ जायगोट। अब जायगोट कैसे बना था, एग वाज फॉर्म के फ्यूजन से, ठीक है। तो जायगोट क्या है, एक तरीके से एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से अब हमको एक पूरी बॉडी, एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करवाना है, तो उसकी शुरुआत के लिए कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो चेंजेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दैट इज क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज में करवाया क्या जाता है कि काफी सारे सेल के नंबर बढ़वाए जाते हैं, यानी जो एक सिंगल सेल जायगोट था उसमें इतने सारे डिविजन्स करवाए जाएं कि वो बहुत ज्यादा, एक तरीके से बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज कर दे सेल का, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे क्लीवेज, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट इट। इट इज अ रैपिड सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन दैट अकर्स जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ तो एक रैपिड सीरीज चालू हो गई एक तरीके से, जिसको अपन बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन की सीरीज। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, एक सेल से चार आठ एक तरीके से बढ़ते चले जाते हैं नंबर, उसको अपन माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। इसमें कोई रिडक्शन नहीं होता, यानी अगर सेल की प्लॉयडी एन थी, उसके पास सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम था, दैट इज एन, ठीक है। अगर दो होते तो बोलते टू एन, एन प्लॉयडी है यानी हैप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड से ही चार हैप्लॉयड और बन गए या आठ हैप्लॉयड और बन गए, तो उसको अपन बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। तो यहां सिर्फ माइटोटिक डिवीजन देखने मिल रहा है आपको फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक है। और इट कन्वर्ट्स द सिंगल सेल जायगोट इनटू अ मल्टी सेलर स्ट्रक्चर दैट इज ब्लास्टुला। और हम करवा क्यों रहे, मैंने आपको बोला हमको नंबर इंक्रीज करवाना है सेल का, जो एक सिंगल सेल जायगोट था उसका नंबर इंक्रीज करवाना है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि मल्टी सेलुलर है, और उसको अपन बोलते हैं ब्लास्टुला। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ब्लास्टुला क्यों बोला जाता है, उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट रहती है, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। तो उस स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है ब्लास्टुला, ठीक है। वो भी एक तरीके का मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। सो देयर आर टू क्रिटिकल रीजंस फॉर द क्लीवेज। अब हो क्यों रही है क्लीवेज, सबसे पहला रीजन होता है टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अगर हम बहुत सारे सेल ही नहीं प्रोड्यूस करवा पाए, उसके एक सिंगल सेल जायगोट से नहीं प्रोड्यूस करवा पाए, तो ऑर्गन्स कैसे बनेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होगा, ठीक है। तो हम अपन सेल का नंबर बढ़ा रहे ताकि फ्यूचर के ऑर्गन्स डेवलप करवा सके और एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट करवा सके, ठीक है, जिससे एम्ब्रियो बनने वाला है। सेकेंड रीजन होता है टू इंक्रीज द न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म रेशियो फॉर द ऑप्टिमल सेलुलर फंक्शन टू टेक प्लेस। अब आपको ध्यान होगा जो एग रहता है, ठीक है, या जो जायगोट भी बन गया, चलिए एक जो जायगोट बन गया उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा है, ठीक है, उस सेल का। तो क्या इतना सा एक न्यूक्लियस इतने बड़े साइटोप्लाज्म को हैंडल कर पाएगा, अगर इतने सारे सेल बनेंगे तो न्यूक्लियस भी सबका डिफ्रेंशिएट कराना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करा ही इसलिए रहे हैं हम ताकि एक एक जो न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे कम कम हिस्से का जो साइटोप्लाज्म है उसको हैंडल कर पाए, वो हैंडल कर पाएगा तभी तो सारे सेलुलर फंक्शन हो पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी सी बॉल है, उसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस वाला पार्ट प्रेजेंट है, उसको बोल दिया गया कि आपको सारी बॉल का फंक्शन उठाना है, उसके लिए तो लोड बढ़ गया, ऐसा अपन नहीं चाहते। तो क्या कर रहे हैं हम, उस बॉल के बहुत सारे पार्ट करवा रहे, सेम एज क्लीवेज, ठीक है, ताकि हर एक न्यूक्लियस हर एक साइटोप्लाज्म के पार्ट को हैंडल कर सके इजीली, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए तो क्लीवेज स्टार्ट कब हुआ है, लगभग 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी जैसे ही फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ तो उसके 30 घंटे बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, क्लीवेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो द सेल्स, जो सेल्स बन रहे हैं क्लीवेज के थ्रू, यानी जो डिविजन हो रहे हैं माइटोटिक डिविजन हो रहे हैं, उसे जो सेल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। दे बिकम स्मॉलर विद ईच डिविजन, ठीक है। मानिए आप ऐसा कुछ सेल है, ये एक जायगोट था, ठीक है, उसमें एक डिविजन हुआ, फिर दूसरा डिविजन हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो क्या हो रहा है, पहले सेल बहुत बड़ा था, अब जैसे डिविजन होता जा रहा है उसका पार्ट है वो छोटा होता चला जा रहा है, और हम एक एक हिस्से को, एक एक सेल को क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमियर बोल रहे हैं, ठीक है। सो इट अकर्स एज द जायगोट पासेस अलोंग द यूट्राइन ट्यूब और द फैलोपियन ट्यूब ट्यूब द यूट्रस। यानी ऐसा नहीं कि भाई जायगोट एक जगह रुका हुआ है फर्टिलाइजेशन के बाद,
वो कंटिन्यूअसली फेलोपियन ट्यूब में मूव कर रहा है और उसी टाइम पे एक क्लीवेज हो रही है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू और यूट्रस की तरफ पास करता हुआ है, ठीक है, तब हो रही है क्लीवेज। आफ्टर द 9 सेल स्टेज कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, यानी जैसे ही 9 सेल्स बन जाएंगे लगभग तो क्या होगा, कॉम्पैक्शन स्टार्ट होगा। कॉम्पैक्शन मतलब क्योंकि हम सेल बढ़ते जा रहे हैं तो दबाव बढ़ता जाएगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा जिसके बहुत सारे पार्ट्स आ गए, ठीक है, तो उसको अपन ने बोल दिया कॉम्पैक्शन। फिर आएगी दूसरी स्टेज, दैट इज 12 to 16 सेल स्टेज, जिसको अपन बोलते हैं मॉल्यूला। मॉल्यूला को अपन एक तरीके से बॉल लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसको लगभग 3 दिन बाद बन रहा है फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 3 दिन बाद एक स्टेज बनती है, दैट इज मॉल्यूला, जिसमें 12 से 16 सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, वो बॉल लाइक दिखाई देगा, ठीक है, कॉम्पैक्ट बॉल विदाउट एनी स्पेस। नेक्स्ट स्टेज आती है 32 सेल स्टेज, या डिफरेंट भी हो सकता है, 32 सेल स्टेज, दैट इज ब्लास्टुला, ठीक है। अब ब्लास्टुला की खास मैंने उसके अंदर एक कैविटी रहती है, यहाँ तक आपको कॉम्पैक्ट स्टेज दिखाई देंगे, कॉम्पैक्ट बॉल, जबकि ब्लास्टुला में क्या होगा, एक छोटी सी कैविटी, एक कैविटी वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है, इसको अपन ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, इसी वजह से स्टेज का नाम है ब्लास्टुला। इसको लग रहा है लगभग 5 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 5 दिन चाहिए ब्लास्टुला स्टेज तक पहुंचने के लिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम क्लीवेज को एक बार समाप्त कर लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, जाइगोट प्रेजेंट है। जाइगोट यानी जिसकी टू एम्प्लॉयडी थी, फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बना था, और ये जो है सिंगल सेल है, यानी अभी सिर्फ एक ही सेल है और हमें काफी सारे सेल्स बनाने हैं, तब जाके एक ऑर्गन या एम्ब्रियोजेनेसिस जो है स्टार्ट हो सकेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इस जाइगोट में होगा क्या, क्लीवेज, और क्लीवेज के बाद बनेगा ये सिंगल सेल से 2 सेल स्टेज, और इसकी हर एक सेल को अपन बोल देंगे क्या, ब्लास्टोमियर्स, तो ये हो गया 2 सेल स्टेज। फिर वापस से क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, एक 4 सेल स्टेज बनेगी, ठीक है, आपको देख पा रहे हैं ये लोग, ठीक है, क्या है बेसिकली 4 सेल स्टेज है। अब 4 सेल स्टेज के बाद क्या आ रहा है, 8 सेल स्टेज आ रहा है, यानी धीरे धीरे कॉम्पैक्शन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कैविटीज दिखाई दे रही है, छोटे छोटे पार्ट्स बच रहे हैं, लेकिन 8 सेल स्टेज में क्या हो रहा है, कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो चुका है थोड़ा बहुत, अभी इसमें थोड़ी बहुत कैविटीज देखने मिलेंगी, लेकिन कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो गया। फिर 8 सेल स्टेज के बाद क्या आएगा, अब देखिए 16 सेल स्टेज आएगी, जिसको हमने बोला था मॉल्यूला, मॉल्यूला यानी बॉल लाइक स्टेज, ठीक है, कॉम्पैक्ट बॉल, जिसमें कोई कैविटीज नहीं है, जो 16 सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज है, उसको अपन ने बोल दिया मॉल्यूला स्टेज, ठीक है। फिर क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, एक ब्लास्टुला बनेगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लीवेज, ठीक है। ब्लास्टुला में क्या होता है, देखिए एक बाहर की तरफ लाइनिंग है सेल्स की, ठीक है, बाहर की तरफ लाइनिंग, यानी ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो 16 सेल्स थे, ठीक है, वो आगे जाके और डिवाइड थे, तो उनमें से जो आधे हैं, आधे क्या करेंगे, बाहर जाके एक तरीके से एक लाइनिंग बनाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, या आउटर मोस्ट जो लाइनिंग है उसको बोला ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये फ्यूचर में प्लेसेंटा का पार्ट बनने वाली है, जो एम्ब्रियोसाइट से प्लेसेंटा रहेगी ना, वो इस ट्रोफोब्लास्ट की वजह से रहेगी, क्योंकि आप समझ पाएंगे अगर, तो जो यूट्रस वाला पार्ट रहेगा उस पर जाके अटैच हो जाएगा ये स्ट्रक्चर, तो यही सीधा जाके अटैच हो रहा है, तो यानी यही वो पार्ट बनेगा जहां से ब्लड वेसल्स ये किसी भी चीज की एंट्री या एग्जिट हो सकता है। सो ये है जो पार्ट, वो प्लेसेंटा का एक तरीके से स्ट्रक्चर बनने वाला है या फॉर्म करने वाला है उसको आगे। देन अंदर की तरफ जो बच गए सेल्स, वो सारे ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ अरेंज है आसपास या लेयर्स में अरेंज है, वो एक साइड में जाके अरेंज हो जाते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, ठीक है, इसको बोला इनर सेल मास। ये जो इनर सेल मास है ये फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाने वाला है, यानी अंदर की तरफ आपको एम्ब्रियो का फॉर्मेशन दिखाई देने वाला है इस ब्लास्टुला में, जबकि बाहर की जो लेयर्स है ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो ये जो अंदर की कैविटी है, दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील या फिर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, दोनों नाम है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या ब्लास्टोसील, जिसकी वजह से स्टेज का नाम पड़ गया है ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है, और बाकी मॉल्यूला के बारे में भी काफी बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जो 16 सेल है, या फिर
जिसको हम बॉल लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं. ओके, इफ आपको ये पार्ट समझ में आया तो प्लीज लाइक, और कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट. थैंक यू सो मच.